नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन की विधि क्या है। वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस दौरान मां के नौ रूपों की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को मां का स्वरूप माना गया है। ऐसे में कन्या पूजन करने से साधक को मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान में छोटी छोटी कन्याओं को का सम्मान किया जाता है जो देवी दुर्गा के अवतार का प्रतिनिधित्व करती हैं। कन्या पूजा, जिसे कंजक पूजा भी कहा जाता है, आमतौर पर यह नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन की जाती है। चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन की विधि क्या है। कन्याओं के पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं, उनकी कलाइयों के चार कलाइयों पर कलावा बांधें, माथे पर कुमकुम लगाएं, पूरी, हलवा, काला चना उनको प्रसाद में खिलाएं। कन्याओं को दुपट्टे, चूड़ियाँ, रुमाल, नए वस्त्र या अन्य कन्याओं की जो सामग्री होती है उन्हें दान दें। कन्याओं के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। अंत में दक्षिणा देकर विदाई करें। इस दिन व्रती छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनको भोजन कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान माँ भगवती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कंजक में कम उम्र के लड़के और लड़कियों को बुलाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो साधक नवरात्रि के दौरान 9 दिन का व्रत रखते हैं और नवरात्रि के अंत में कन्याओं की पूजा करते हैं, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हर किसी को यह पूजन करना चाहिए। बता दें, एक कन्या की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दो कन्याओं की पूजा से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं 9 कन्याओं के पूजा से सर्वोच्चता का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, ये थी जानकारी कि कन्या पूजन की विधि क्या है। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।